दोस्तों, इंसान आज किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, परंतु उसका वहां तक पहुंचने का श्रेय जितना उसकी मेहनत को नहीं दिया जाता, उससे कहीं ज्यादा लक यानी कि नसीब को दिया जाता है। लक एक ऐसी चीज है जिसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इंसान इस पे विश्वास करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसको गुड लक का नाम दे देते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो उसको बैड लक का। लेकिन आज की हमारी वीडियो जिस इंसान पे बनाई गई है, उसकी कहानी सुनने के बाद आपके पास लक में मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उनका नाम बिल मॉर्गन है, जिनको लकीस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात साल 1999 की है, जब बिल अपनी रोजी रोटी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ट्रक चलाया करते थे। एक दिन बिल का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते उनको कई सारी गंभीर चोटें आईं। बिल को इन चोटों के चलते कई दिनों तक हॉस्पिटल में मेडिकेशन में रखा गया, परंतु बिल की रिकवरी होने के बदले उनको एक एलर्जिक रिएक्शन का शिकार बनना पड़ा, जिसके चलते उनका दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टर्स को लगा कि बिल की मौत हो गई, परंतु कुछ देर तक कोशिश करने पे करीब 14 मिनट के बाद बिल का दिल वापस धड़कने लगा। लेकिन बिल के लिए अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, वे अभी भी लाइफ सपोर्ट पे जिंदा थे। डॉक्टर्स को बिल की हालत पे कोई सुधार नहीं दिख रहा था, और उन्होंने बिल के परिवार वालों को सजेस्ट कर दिया था कि उनको और लाइफ सपोर्ट पे ना रखा जाए, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 12 दिन बाद बिल को अचानक से होश आ गया। वैसे तो ऐसी कंडीशन से बाहर आने के बाद कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने की संभावना रहती है, परंतु बिल बिल्कुल सही सलामत थे। बिल ने अपनी ट्रक ड्राइवर की जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढ ली थी, और साथ ही साथ अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट भी कर ली थी। बिल का अच्छा टाइम शुरू हो चुका था। रिकवरी के बाद बिल की जिंदगी में फिर से खुशियां आ रही थी, और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बिल ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, और लकीली उनकी वे लॉटरी लग गई, जिसमें उनको एक गाड़ी मिली जो कि $17,000 की थी, जो कि आज के हिसाब से 18 लाख के बराबर है। इसके बाद बिल का नाम मीडिया में उछलने लगा, इसलिए नहीं कि उनकी लॉटरी लगी थी, परंतु इसलिए क्योंकि वे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट से वापस बाहर निकल चुके थे। उनकी इस अद्भुत स्टोरी को मेलबर्न के एक लोकल न्यूज चैनल पे दिखाने की सोची गई। बिल की स्टोरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए न्यूज चैनल वालों ने बिल से एक और लॉटरी खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करी, ताकि वे उसको कैमरा पर रिकॉर्ड कर सके और दुनिया वालों को डेमोंस्ट्रेशन दे सके। बिल ने उनका कहना मान लिया और एक और लॉटरी का टिकट खरीदा और उसको कैमरा में दिखाकर स्क्रैच करा, परंतु एक्टिंग करने की जगह वे कैमरा में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, आई जस्ट वॉन्ट $250,000, आई एम नॉट जोकिंग। बिल की यह बात सुनकर न्यूज चैनल वाले रुक गए और बिल को समझाने लगे कि उनको क्या बोलना है, परंतु जब चेक करा गया तो पता चला कि बिल को सचमुच में लॉटरी लग गई थी, और इस बार उनको पूरे $250,000 की लॉटरी लगी थी, जो कि आज के हिसाब से करीब करीब 2 करोड़ रुपए होते हैं। बिल एक महीने के अंदर अंदर अपनी मौत को चकमा देकर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे थे, और तो और वो 2 करोड़ के साथ साथ एक गाड़ी के मालिक बन चुके थे। ये सब लक का खेल था या कुछ और, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल।